और देखिए और भी बड़ा क्रोकोडाइल, देखिए आ जाइए आ जाइए इस साइड को आ जाइए। सबसे तेज तर्रार हंटर्स हैं ये। अरे अरे वो तो अपनी तरफ आ रहा है, बोट की तरफ आ रहा है वो। ये जंगल रात को जागता है और अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। हजारों किस्म के जीवों की दुनिया, जाने अनजाने अजूबों की दुनिया, धरा पे पानी पे आकाश पे दुनिया, धरातल के नीचे भी बस्ती है दुनिया। बाहर भी सुंदर भीतर भी सुंदर, सुंदर है भीतर कणिका की दुनिया। नमस्कार एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने पिछले एपिसोड में देख ही लिया है, हम यहाँ पे दंगमल नेचर कैंप में हैं और यहाँ पे पूरा कैंप साइट मैंने आपको अच्छे से घुमा दिया है। कैंप साइट के हर एक रूम के सारे डिटेल मैंने पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन कर दिए हैं, साथ में ही आइलैंड तक कैसे पहुँचे, कैसे इसको बुक करें, ये सब कुछ मैंने पिछले व्लॉग में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे भीतरकनिका नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करने, तो आइए मिलते हैं हंटर्स ऑफ टाइड को। हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए और बोटिंग में जाके फिर इस मैंग्रोव फॉरेस्ट भीतरकनिका जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये ई रिक्शा में बैठ के अभी बोटिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ से कितना, 1 किलोमीटर मेन गेट से बोटिंग पर 1 किलोमीटर। अच्छा ओके, मेन गेट से 1 किलोमीटर है। अपने राइट हैंड साइड पे हिरन दिख रहे हैं, मतलब वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का पास। हाँ ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड पे ये पूरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और बिल्कुल सामने हिरन। देखिए बहुत सारे हिरन है। तो बिल्कुल प्रकृति के बीच आप इस जगह को बहुत एंजॉय करेंगे। मैंग्रोव नर्सरी है ये, प्रजाति का पेड़ है। हाँ मतलब मैंग्रोव में साला एरिया। हाँ 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 अच्छा। खोला, गुप्ती और दंगमल, ये तीन जगहों से आपको गवर्नमेंट के बोट्स मिलेंगे। टिकट प्राइस था 2800 रुपीस एक बोट का और स्पीड बोट में आना जाना 1 घंटा रहेगा और फिर बीच में आइलैंड पे ले जाएंगे जहाँ पे आपको 3-4 घंटा 2-3 घंटा आप घूम सकते हैं वहाँ पे। तो वो घूमने के लिए हमने गाइड ले लिए हैं, तो सत्यजीत भाई अभी हमें गाइड करेंगे भीतरकनिका के बारे में। यहाँ पे आपको पूरा बोट ही हायर करना पड़ेगा, इंडिविजुअल टिकट नहीं मिलता। ड्यूरेशन रहता है 2 से लेके 4 घंटे, डिपेंड्स कि आप आइलैंड पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं और आपने कहाँ से बोटिंग शुरू किया है। और शाम को 5 बजे ये बोटिंग बंद हो जाता है, तो उसके हिसाब से आप ये ट्रिप प्लान करें। ये हमारे साथ जो रिवर बह रही है, इस रिवर का ही नाम है भीतरकनिका रिवर। ब्राह्मिनी और वैतरणी नदी जो है उसका ही ये ब्रांच है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि टाइड का टाइम कब है, क्योंकि टाइड के टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे साइटिंग कर पाओगे। आपके घुमक्कड़ गुज्जू सभी आ चुके हैं बोट में। अभी तो अपना जर्नी शुरू हुआ है और ये बड़ा सा क्रोकोडाइल बिल्कुल किनारे पे। क्रोकोडाइल के पास डियर भी है, देखिए। हाँ देखिए आगे क्रोकोडाइल और पीछे बहुत बड़ा डियर, वो अंदर जा रहा है। आप जो घूमने के लिए आए हैं सर, ये है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये हमारा 673 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल सेंचुरी एरिया। आप जितने भी ट्री दिख रहे हैं, ये 63 वेराइट का मैंग्रोव मिल रहा है आपको। देखिए आपका टेरिटरी में जितना भी ट्री मिल रहा है ये सब है मैंग्रोव, एक एक वेराइटी। ये भीतरकनिका ब्रांच क्रीक है और दूसरा साइड में एक सी कनेक्टेड है, बे ऑफ बंगाल। वो दोनों का बीच में जो रह गया ये है डेल्टा फॉरेस्ट। ये ब्रैकिश वाटर है, 12-17% PPT रहता है पानी में, मैंग्रोव एरिया। हाँ मैंग्रोव एरिया।
अब जो क्रोकोडाइल दिख रहा है ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसको उड़िया में बोउड़ा बोलते हैं, और सबसे अग्रेसिव अटैकिंग वाला क्रोकोडाइल ये है। हर टाइम में अग्रेसिव रहता है, इसका पेट भरा है तो अटैक करेगा, पेट भरा नहीं है तो अटैक करेगा। हाँ, अभी आगे जाएंगे तो और भी क्रोकोडाइल हमको मिलेगा, उसका बाद हम आइलैंड को जाएंगे। ये आपका सामने वाला ये आइलैंड, ये पहले एक राजा का एरिया था, राजकनिका का जो किंग राजेंद्र नारायण भंजोदेव उनका एरिया था। वो पहले जो 57 का पहले जो राजतंत्र था, जमींदारी प्रथा था, उस टाइम पे गांव था, एक आइलैंड का अंदर के गांव था। इस टाइम पे ये राजा जो आ रहे थे हंटिंग करने के लिए, इसका साथियों को लेके हंटिंग करने के लिए आ रहे थे। उनका एक हंटिंग हाउस है, हंटिंग टावर, जो घर के अंदर रह के हंटिंग कर रहा था। और दो टेम्पल भी है, एक शिव जी का टेम्पल है, एक देवी माँ का टेम्पल है। और अभी एक बर्ड सेंचुरी चल रहा है, जून टू नवम्बर एशियन ओपन बिल्स्टर उनका नेस्टिंग चल रहा है। अभी दिखने के लिए जाएंगे, पैदल जाना पड़ेगा हमको। दो दिन हो गया, क्लाइमेट ठीक नहीं था, बारिश का मौसम था। ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अच्छा, इसका डाइजेशन स्लो होता है। ये विंटर सीजन में सन बास्किंग लेगा, मुंह खुला करके सनलाइट रिकवरी करेगा। सन बास्किंग लेगा तो इनका डाइजेशन स्पीड होगा। दो दिन तो पूरा बारिश का मौसम था, सनलाइट नहीं था। आज जो सनलाइट आ गया, इसलिए आपको इतना सारा बाहर आ गया। देखिए मैंग्रोव का जो डिफरेंट सिस्टम ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग रूट्स, मिट्टी का ऊपर जो रूट ऊपर आया है, देखिए ये है मैंग्रोव का एक डिफरेंट सिस्टम। आपको पता है फ्रेश वाटर ट्री का जो रेस्पिरेशन होता है वो लीफ से होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट है, ये रूट से होता है। अभी एक बहुत बड़ा लगभग 22 फीट का एक क्रोकोडाइल मिलेगा। 22 फीट का जी, देखिए आपका सामने, देखिए राइट साइड ऊपर, देखिए मड फ्लैट में, देखिए एक पिलर जैसा दिख रहा है आपको। देखिए आज बहुत अच्छा साइटिंग हो रहा है। इसका लेंथ है 23 फीट। ये इंडिया का सबसे लंबा क्रोकोडाइल है। ये टेरिटोरियल है, पर्सनल टेरिटोरियल है। अच्छा, एरिया में रहेगा। हाँ, वो दूसरे एरिया को जाएगा तो फाइट होगा। और एक है, ओके, फीमेल है क्या मेल? साइड में जो है छोटा वाला, ये फीमेल है। अच्छा, वो 12 फीट से कम रहता है, फीमेल का जो साइज रहता है 12 फीट से कम रहेगा, नेक और बेली चौड़ा रहेगा, और मेल जो है लास्ट है 23 फीट, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। अद्भुत जंगल है, एक तरफ सन बास्किंग लेते क्रोकोडाइल्स और एक तरफ ब्यूटीफुल डियर्स। नीचे वाला लकड़ी जो है सूखा वाला, उसका आगे एक लकड़ी ऐसा आया है, उसका ऊपर एक देखिए ब्लैक कैप किंगफिशर बैठा है। लकड़ी की बात करें, किंगफिशर बिल्कुल अजान अजान जो उड़ी। हां, देखो देखो, ये कंबोडिया से आता है। अच्छा, और ये आएगा सितंबर में, आएगा मार्च को चले जाएगा। यहाँ पे 7 वेराइटी का किंगफिशर मिलता है। अच्छा, पहले 8 वेराइटी था। हाँ, एक रूटी किंगफिशर था, उसका ये क्लाइमेट सूट नहीं किया इसलिए चला गया। अच्छा, 107 वेराइटी मिलता है। अभी जो लो टाइड हो रहा है, लो टाइड में आपको पक्षी का साइटिंग होगा, बर्ड्स का साइटिंग होगा, क्रोकोडाइल का साइटिंग होगा। भीतर करने का लो टाइड पर डिपेंड करेगा साइटिंग के लिए। 6 आवर हाई टाइड, 6 आवर लो टाइड। सपोज आज 6 बजे हाई टाइड स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे जो हाई टाइड होगा 6:45 होगा, क्योंकि जो मून का जो टाइमिंग रहता है 45 मिनट लेट में जो मून आता है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है टाइड। वो पानी अभी जा रहा है, सी को जा रहा है। जब विंटर आ जाएगा, वो बारिश का प्रेशर नहीं रहेगा, वो सी का प्रेशर रहेगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ही अलग दुनिया है ये, और काफ़ी लेस एक्सप्लोर्ड है। आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे। और देखिए और भी बड़ा क्रोकोडाइल, देखिए आ जाइए आ जाइए, इस साइड पर आ जाइए। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा है उसका मुंह तो देखिए। ये सभी क्रोकोडाइल्स बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं ये सब। तो अभी ये बड़ा सा क्रीक छोड़ के हम एक नैरो सी क्रीक में जा रहे हैं। वो जो ट्री का ऊपर एक ऑरेंज कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर दिख रहा है, देखिए ये एक वैरायटी है, ये एक वैरायटी, दूर ही रखा मैं। ये छोटा क्रीक है, ये क्रीक का नाम है सुआजुरी। ये जो रूट है ये आने जाने में 4 किलोमीटर अलग से एक रूट है। आप जो बैठा है ना बोट में बैठा, जो उसका फ्रंट में एक जेठी था, इस साइड में जाएंगे तो आपको 8 किलोमीटर हो जाएगा अप एंड डाउन, और ये शॉर्ट वाला रूट है, इसलिए आपको शॉर्ट रूट में लेके। ये भैया का ये कहना है, ये जो भीतरकनिका आइलैंड पे हम जा रहे हैं, अगर दूसरी साइड से जाते तो वहाँ पे हमें 8 किलोमीटर चलना पड़ता, इस साइड से वॉकिंग कम रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे एक है, हाँ ऊपर वो देखे नीचे उतरा।
वाओ। आज इतने सारे क्रोकोडाइल्स देख लिए हैं ना, क्या ही कहें, बहुत ही सुंदर है भीतर कनिका और उसमें बसे ऐसे आइलैंड्स। ये है टाइड्स की सृष्टि, बहुत संभल के चलना है यहाँ, क्योंकि कदम कदम पे हैं दुनिया के सबसे तेज हंटर्स। भीतर कनिका के भीतर और भी भीतर चले जा रहे हैं, ऊपर नीला आसमां, बादल और पानी में उसकी परछाई, सो ब्यूटीफुल। दिस इज मिनी अमेज़न ऑफ इंडिया। अभी हम पहुंच चुके हैं भीतर कनिका के भीतर में बसे एक बहुत ही सुंदर आइलैंड पे, चित्र विचित्र जीवों की दुनिया, अजीबोगरीब सृष्टि यहाँ पे दिखती है, अजीबोगरीब पेड़ पौधे और लाखों किस्म के पंछी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है। ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। इस आइलैंड पे हमने काफ़ी समय बिताया है, इसके लिए पूरा सेपरेट व्लॉग मैंने बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। इस व्लॉग में करते हैं आगे वापसी का सफ़र। शाम ढलने को है तो सिर्फ हम लोग बाकी बचे हैं, बाकी इस पूरी भीतर कनिका में कोई भी बोट चालू नहीं है अभी। वापसी की यात्रा में भी बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स दिख ही रहे हैं। सामने हैं ब्राउन कैप्ड किंगफिशर और यहाँ पे क्रोकोडाइल, फिलहाल तो सिर्फ टेल दिख रहा है, और यहाँ पे एक और क्रोकोडाइल देखिए हिल रहा है। लाइंग क्रोकोडाइल्स और ऐसे उड़ते पंछी, कहीं चुपते पंछी, अद्भुत है भीतर कनिका। ये हम बड़े से क्रिक में आ गए हैं और उसी स्थान पे अभी भी बैठा हुआ है वो बड़ा सा क्रोकोडाइल। ये वाइट क्रोकोडाइल काफ़ी रेयर हैं, भीतर कनिका में मिल जाते हैं। कितना अद्भुत है ना, एक तरफ बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं और साथ में ऐसे डियर्स भी खेल रहे हैं। भारत के मिनी अमेज़न का ये सफर सच में यादगार रहा। जो हमने आइलैंड पे वक्त बिताया, जो बर्ड सेंचुरी वहाँ पे देखी, इतने सारे बर्ड्स वहाँ पे देखे, इतने सारे क्रोकोडाइल्स को देखा इस रिवर में, ये सब कुछ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। वो आइलैंड टूर का सेपरेट एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अनोखा अनुभव है वो। देखिए अब सामने अपना दंगमल नेचर कैंप। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे दंगमल पे पहुँचे, ये ई रिक्शा वाले भैया हमारा वेट ही कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका है, सिर्फ हमें लेने के लिए वो आए हैं और हमारा ही वेट कर रहे थे। ये अपने कॉटेज की ओर हम चल पड़े हैं और यहाँ पे रास्ते में सामने अंधेरे में शायद कैमरा वो जस्टिस ना कर पाए, बहुत सारे वहाँ पे हिरन दिख रहे हैं। तो फाइनली बहुत मज़ा आ गया। 2 बजे यहाँ से गए थे और अभी बजे हैं 5:30, यानी 3.5 घंटे आना जाना 1 घंटा और 2.5 घंटा हमने आइलैंड पे स्पेंड किया। गाइड बहुत ही अच्छे थे सत्यजीत भाई, और हिमांशु भाई जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से हमें पूरा रिवर में घुमाया। तो भीतर कनिका आप जब भी आएँ, गवर्नमेंट का ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है यहीं पे आएँ, यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज है, फिक्स रेट्स होते हैं, नो बार्गेनिंग्स, नथिंग, कोई आपको आपके पास चीटिंग नहीं होगा। बाकी आप आते हैं तो चंदबली है, फिर जब आप भीतर कनिका में अंदर एंटर होते हैं वहाँ पे भी है। ये 3-4 जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बोटिंग करवाते हैं, लेकिन वो सब प्राइवेट हैं और वो टूरिस्ट के हिसाब से दाम इधर उधर होते रहते हैं, तो गवर्नमेंट का ही कीजिए जो कि यहाँ पे है। अभी थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर एक और चीज़ है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अभी शाम को जैसे अंधेरा बढ़ेगा यहाँ पे, कीर्तन बोल रहा है मत कहो, तो कुछ होने वाला है, देखते रहिए। तो बस अभी
पकौड़ी टाइम है अपना, यानी कि स्नैक्स टाइम, नाश्ता करेंगे, चाय और पकौड़ी। हम कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी और पकौड़ी है। कीर्तन के लिए मिल्क आएगा, बढ़िया पकौड़े हैं, प्याज और गोभी के। तो अब जो कीर्तन बता रहा था कि कुछ होने वाला है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे कॉटेज के बिल्कुल बाहर रात का नज़ारा, और हम यहाँ पे रात में घूमने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स इधर उधर घूमते हैं। हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चलना है, बिना आवाज़ किए। ये देखिए, सबसे पहला दिखा है जंगली सुअर, वाइल्ड बॉर। एक नहीं है, दो तीन है। एक तो मॉनिटर लिजार्ड से हमें बच के चलना है। और देखिए कुछ और हिरन दिख रहे हैं यहाँ पे। ये महाशय तो बिल्कुल कॉटेज के पास ही खड़ा है, देखिए दो तीन। वाओ, यहाँ पे पूरा झुंड है। और यहाँ पे हमें दिख सकते हैं हाइना भी और फॉक्स। डियर्स तो सामने ही है। जंगल में ये वॉक करने के लिए जो हमारे केयरटेकर हैं, वही हमें ले जा रहे हैं, वही दिखा रहा है सब कुछ। और उनका कहना है कि इतने सारे डियर्स हैं तो कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल भी होंगे जो शिकार की तलाश में बैठे होंगे। हाँ, यहाँ पे लाइट डाला हो, क्रोकोडाइल है वहाँ पे। हाँ हाँ, दिख रहा है ना। अगर कोई डियर उसके थोड़े से भी करीब से गुजरा ना, वो तुरंत चपट लेगा। गाइस, बिना किसी लोकल के यहाँ पे कभी मत आना। हमारे पास केयर टेकर हैं जो हमें ये सब कुछ दिखा रहे हैं। इट इज़ वेरी रिस्की। ये थोड़ा हम और डीप में आ चुके हैं और यहाँ पे हमें ऑल दिख सकता है। लेट्स सी, हॉल हमारे बिल्कुल सामने है और हमें ही देख रहा है। विपदा नहीं है। जैसे ही हम पास हुए, हमारे पीछे बड़ा सा नारियल गिरा। तो भैया कहते हैं अगर विपदा होती है तो ये सर पे गिरता है, अगर ऐसे पीछे गिरा मतलब आपके ऊपर कोई विपदा नहीं है। पूरा नारियल खोला और ये सब कुछ वो ये कूड़ेदान में डाल देंगे। भैया ने हमारे लिए नारियल साफ कर दिया, एकदम मस्त। हम बातें कर रहे थे और हमें ऑल की आवाज़ सुनाई दी। ये देखिए, बिल्कुल साथ में ही ऑल है। देखिए वो ऊपर जा रहा है। वाओ, बिल्कुल हमारी तरफ ही देख रहा है। देखिए वो उड़ गया। अभी हम डिनर के लिए जा रहे हैं। हिरन 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 है। बिल्कुल अंधेरा है। मम्मी को बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है उसको। सोचिए यहाँ पे कितने सारे हिरन हैं। यहाँ पे भी दो हिरन, देखिए आराम से हिरन है हमारे सामने देख रहा है। उसके पीछे भी है कुछ। इतने सारे हिरन हैं ना यहाँ पे कि क्या ही बताऊँ आपको, ढेर सारे। आज रेस्टोरेंट में सिर्फ अपना फैमिली है और कोई नहीं है, लेकिन स्टाफ का कमिटमेंट 100% है। एकदम सिंपल सा घर का खाना, आलू भिंडी, साथ में है आलू प्याज की सब्जी, दाल, सिवैया और रोटी। मेन्यू मेड टू ऑर्डर था, हमने जो भी कहा इन्होंने बनाया। एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। डिनर करके हम अपने कॉटेज की ओर चलते चले और रास्ते में हमें दिखे ढेरों हिरन। तो इन्हीं यादों के साथ इस व्लॉग को करते हैं
यहीं पे एंड। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सी यू सून।